नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस एपिसोड में आपको जिम कॉर्बेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि आपके नेक्स्ट ट्रिप के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। मैं नवीन देसवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रैवल इंडिया चैनल में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जिम कॉर्बेट पहुँच कैसे सकते हैं। जिम कॉर्बेट पहुँचने का सबसे आसान तरीका है बाय ट्रेन। रामनगर स्टेशन पड़ता है जिम कॉर्बेट के नियर, जो कि जिम कॉर्बेट से करीब करीब 12 किलोमीटर दूर है। आपको दिल्ली से बड़े इजीली रामनगर के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी पर्सनल कैब से ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली टू जिम कॉर्बेट का जो ट्रैवलिंग टाइम होता है वो 5 to 6 आवर होता है। और रोड भी काफ़ी क्लियर हैं, तो आपको अपनी पर्सनल कैब ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको जिम कॉर्बेट के साइट सीन्स जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो जिम कॉर्बेट में कोई साइट सीन नहीं है, ये वीकेंड डेस्टिनेशन है। यहाँ जाते हैं लोग और अपना मतलब रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं और जंगल सफारी के लिए जाते हैं। फिर भी जो जो पॉइंट्स की मुझे नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है वो है जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। आप जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम आप विज़िट कर सकते हो। कॉर्बेट म्यूज़ियम की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। जो एंट्री फ़ी लगती है वो इंडियन के लिए 10 रुपीज़ लगती है, फॉरनर के लिए 50 रुपीज़, और अगर आप स्टूडेंट हो, अपना आईडी कार्ड कैरी कीजिए तो आपके 3 रुपीज़ लगेंगे। और म्यूज़ियम के पास ही आपको कैफ़े भी मिलेगा, जहाँ आप टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, जो भी आपको चाहिए उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हो आप। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जंगल जीप सफारी। जंगल जीप सफारी के लिए ही मोस्टली लोग विज़िट करते हैं कॉर्बेट। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जंगल जीप सफारी के लिए ऑनलाइन परमिट आपको मिलते हैं। तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप परमिट आप ऑनलाइन खुद भी बना सकते हैं। और फिर वहाँ जाने के बाद आप जीप हायर कर सकते हैं, जो कि जीप वाला करीब करीब 1200 से 1500 रुपये आपको लेता है। और जो परमिट जो कटता है वो 6 बंदों का कटता है, मतलब मैक्सिमम 6 बंदों का कटता है, और वो करीब करीब आपको पड़ता है 1100 रुपये का। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आती है करीब करीब 1500 प्लस 1000, मतलब करीब करीब 2500। और टैक्स गाइड फीस आपकी जो लगती है वो करीब करीब 500 रुपये लगती है। तो 3000 में आपको जीप ईजिली मिल जाएगी जंगल सफारी के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप परमिट नहीं काट के जाते हो तो जंगल जीप सफारी के लिए अगर आप वहाँ लोकल किसी जो ट्रैवलर होते हैं या जो एजेंट होते हैं, अगर उनसे बात करोगे तो वो आपसे 4000 से लेके 4500 रुपये तक चार्ज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गर्जिया टेम्पल। ये कॉर्बेट में काफ़ी पुराना टेम्पल है और आसपास के गाँव की काफ़ी मान्यता है। यहाँ वो फेस्टिवल में भी यहाँ आते हैं और जो टूरिस्ट होते हैं वो भी इस टेम्पल को ज़रूर विज़िट करते हैं। ये रिवर के किनारे बना है तो इससे भी ये काफ़ी सुंदर दिखता है। और इस रिवर में मैं बताना चाहूँगा कि आप वाटर सर्फिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एलिफेंट सफारी। आप कॉर्बेट में एलिफेंट सफारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। एलिफेंट सफारी की कॉस्ट मैं बताना चाहूँ तो पर पर्सन करीब करीब 3500 रुपये वो चार्ज करते हैं। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो पूरे एलिफेंट के वो 6000 तक आपको चार्ज करेंगे, जिसमें आप जो मैक्सिमम होता है 4 पर्सन आप उस पर बैठ के आप जंगल सफारी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिकाला। डिकाला भी एक जंगल सफारी के लिए जोन है। और जो नेक्स्ट जो हमारा जोन है वो है झिरना जोन। और जो नेक्स्ट और लास्ट जोन है हमारा वो है बिजरानी जोन। बिजरानी जोन में आपको परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिनको कोई भी परमिट नहीं मिलता है किसी भी जोन का, वो बिजरानी जोन में सफारी कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी हम ऐसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई डेस्टिनेशनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।